अगली खबर की ओर। करनाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज करनाल में जिला सचिवालय में उपायुक्त उत्तम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और विधानसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि जिले में वोटरों की संख्या बढ़ी है और अभी वोटरों की संख्या और बढ़ सकती है। उनका कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में सभी को आचार संहिता का पालन करना है। जिला प्रशासन ने से अपील की कि जिनके पास भी लाइसेंस हथियार हैं वह अपना असला प्रशासन के पास जमा करवाएं, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से हरियाणा बॉर्डर पर नाके भी लगाए जा चुके हैं। करनाल उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि जिले में 12,02,419 वोटर इस समय हैं और आगे और वोटर बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस वोटर 3,000 के करीब हैं। उन्होंने कहा कि 122 के करीब क्रिटिकल बूथ हैं जिस पर प्रशासन की नजर रहेगी, वहीं 1,181 टोटल बूथ हैं। कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से अच्छा चुनाव करवाएंगे। करनाल से मुकुल सतीजा की रिपोर्ट। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो हर बार की तरह हम जो व्हील चेयर्स की व्यवस्था, रैंप्स की व्यवस्था वो हम करेंगे, और जो सक्षम ऐप है उस पर भी ऑप्शन देते हैं कि जो वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, वो अपना एक रिक्वेस्ट वहां पे डाल दें। उस वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि किस जगह क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए। तो मैं सभी पीडब्ल्यूडी वोटर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस ऐप का इस्तेमाल करें, ताकि आपको हम ये सुविधा प्रोवाइड करवा पाए, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाए। और जैसा कि इन जो कि ब्लाइंड वोटर्स हैं, और उनके लिए रूल स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि वो अपने साथ एक कंपेनियन लेके जा सकते हैं, तो उनके लिए भी ये सूचना है कि वो अपना वोट का इस्तेमाल करें, अपने साथ एक कंपेनियन भी हम अलाउ करते हैं, वो वहाँ से अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेशन में जैसे पोस्टर्स भी हम लगाते हैं जिन पे डिटेल्स होती है, बूथ की डिटेल होती है, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल होती है, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उनकी डिटेल्स होती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से। हर बार इलेक्शन कमीशन और भी डॉक्यूमेंट्स उनके समावेश करने की कोशिश करते रहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बूथ पे जाके दिखा सकते हैं। वो आपका वोटर कार्ड के बियॉन्ड है, 12 डॉक्यूमेंट्स की और लिस्ट है जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बताएंगे।